छत्तीसगढ़ के संभाग के सूरजपुर में किसान अपनी समस्याओं को लेकर गुस्से में दिख रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार और जिला प्रशासन उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज शुक्रवार को भटगांव मंडल अध्यक्ष सुभाष राजवाड़े व महामंत्री रमेश गुप्ता किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना, साथ ही किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद बत्रा धान खरीदी केंद्र प्रभारी विश्वनाथ ठाकुर व सलका समिति प्रबंधक विनय कुमार सिंह से बातचीत भी की। बातचीत के दौरान मंडल अध्यक्ष सुभाष राजवाड़े व महामंत्री रमेश गुप्ता ने शासन से बारदाना उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। इस दौरान चेताते हुए कहा गया है कि अगर शासन जल्द ही बारदाना उपलब्ध नहीं कराता है तो वह सरकार के विरुद्ध उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आपको बता दें कि अनाज मंडी में बारदाना उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वह कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आलम यह है कि किसानों में रोष पैदा हो रहा है। संभाग से संवाददाता तुलेश्वर प्रजापति की रिपोर्ट। ये धान खरीदी केंद्र बत्रा केंद्र है और यहाँ पर बहुत बड़ा जो समस्या है वो बोरे का है। यहाँ पर जितने भी बरदाना हैं इतने ज़्यादा फटे हैं कि किसान परेशान है कि उस बोरे में धान को कहाँ भरें, और नया बोरा आ नहीं रहा है, बढ़िया फ्रेश बोरा आ नहीं रहा है। बोरा का मुख्य मुद्दा है कि किसान तबाह है, बोरा नहीं। इसके संबंध में आप मंजर से बात किए? प्रबंधक महोदय से बात किए तो बोले कि जो उठाव हो रहा है वही बोरा खाली होके आना है, लेकिन उठाव भी नहीं हो पा रहा है कि बोरा मिल सके। धान खरीदी केंद्र बत्रा सोसाइटी केंद्र में आज हम लोग भाजपा मंडल के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार आज आए हुए हैं, और यहाँ धान खरीदी में बोरा नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ी मुद्दा है। और किसान जो घर में बोरा जो रखे हुए थे उस बोरा में भरकर धान यहाँ ला रहे हैं, और उसके बदले में उनको बोरा नहीं दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। और लगातार 1 दिसंबर से टोकन के लिए किसान परेशान हो रहा है, रोज़ आ रहे हैं यहाँ, इनको समय कि आज मिलेगा कल मिलेगा, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग अभी जांच किए निगरानी समितियों के द्वारा, तो पता चला कि टोकन नहीं मिल पा रहा है, रकबा काट दिया गया है। और जो किसान खुद धान ला रहा है, स्वयं सिलाई कर रहा है उस बोरी को और खुद ढो के ऊपर चढ़ा रहा है, इनको इसका जो मजदूराना होना चाहिए मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है। पूरी तरीके से धान खरीदी केंद्र में कांग्रेस शासन में भूपेश बघेल सरकार किसानों को पूरा व्यवस्थित रूप से बारदाना उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, ना उनका धान को सही तरीके से खरीद पा रहा है, पूरा किसान परेशान है। डॉक्टर रमन सिंह के ज़माने में 15 साल शासन चला, पूरे धान एक बार में खरीदा जाता था, ना बारदाना कमी होती थी, ना उठाव की समस्या होती थी, लेकिन किसान पूरी तरीके से ये कांग्रेस शासन के 2 साल में ही पूरे तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। इतना अव्यवस्थित हो चुका है कि किसान रोज़ यहाँ टोकन के लिए PC लगा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, जिसको हम लोग आज भाजपा मंडल भटगांव के पदाधिकारी निगरानी समिति के सभी सदस्य यहां पर आकर जायजा लिए। और हम लोग अगर पूरी तरीके से अभी 2-3 दिन के अंदर व्यवस्था नहीं होता है तो उग्र आंदोलन के रूप में हम लोग चक्का जाम करने को मजबूर होंगे आने वाले समय में। बस मैं इतनी कहना चाहूँगा। किसानों का आरोप है कि बारदाना नहीं दिया जा रहा है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? बारदाना जितना आ रहा है ऊपर से वो बारदाना हम किसानों को दे रहे हैं, और जो बारदाना नहीं आ रहा है टोकन कट चुका है उसके लिए हम लोग किसानों को भी बोल रहे हैं कि अपने घर में अगर बारदाना है तो उसको दे दें, उसके बदले में 15 रुपये उनको देना है। जैसे आ रहा है टोकन काट रहे हैं, बारदाना के हिसाब से ही टोकन को काट रहे हैं हम लोग। 30/12/2020 तक समिति सलका में 603 किसानों का धान 26,295 क्विंटल 80 किलो का खरीदी किया जा चुका है, जिसमें अभी हमारे पास 20,000 बारदाना 19-20 के DMO ऑफिस से प्राप्त हुआ था, 36,893 PDS बारदाने दुकानों से कलेक्शन करके हमने किसानों को जो है धान खरीदी किया। 603 किसान अभी हमारे समिति में लाभान्वित हो चुके हैं। 350 से 400 किसान ऐसे हैं जो भी इनका टोकन नहीं कटा है। थोड़ी सी फील्ड में समिति में जगह की और बोरे की थोड़ी अव्यवस्था होने के चलते, व्यवस्था नहीं होने के चलते थोड़ा सा भी उन किसानों का टोकन नहीं कटा है। जैसे बारदाने समितियों में उपलब्ध हो जाएंगी और जगह उठाव थोड़ी धीमी है, जैसे उठाव तेज़ी आती है और बारदाना जिला प्रशासन से हमको प्राप्त होता है, जो शेष बचे किसान हैं उनका टोकन काट कर उनके नियत तिथि पे जो है धान खरीदी कर लिया जाएगा। अभी तक कितना उठाव हो चुका है?
अभी तक 1120 क्विंटल का उठाव समिति सलका से किया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.